अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा ये सवाल था, अभी कुछ दिन में एक दो मैं नमाज़ पढ़ने गया था ईशा की कहीं पर, एक अलग जगह पर। तो वहाँ हमारे यहाँ 8:40 पर जैसे टाइम हो रहा है ईशा का, तो वहाँ जो है 8:30 बजे अज़ान दे देते हैं, यानी कि ईशा के वक्त से पहले, और 9:45 पर जमात कर लेते हैं। तो ये मुनासिब है ऐसा करना? देखिए भाई, आप कहाँ पे हैं और वहाँ पे ईशा का टाइम कब होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ईशा का टाइम अलग अलग टाइम पर होता है। तो अब ये आप ही बता पाएंगे कि वहाँ पर ईशा का टाइम कब होता है। आठ भाई, आठ चालीस चालीस आठ आठ चालीस को भाई कह ईशा रहे का हैं कि टाइम आठ होता चालीस है। ईशा का टाइम होता है, टाइम से पहले अजान दी जाती है और टाइम होने के बाद नमाज पढ़ी जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अजान टाइम होने के बाद ही अजान दी जाएगी। अगर टाइम होने से पहले अजान दे दी गई तो वो अजान काफी नहीं है। अजान देना ये वाजिब है, जमात की नमाज के जी लिए अजान देना वाजिब है, तो वो वाजिब आपके ऊपर बाकी है। वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर वो वाजिब बाकी है। बाकी जो उन्होंने नमाज पढ़ा टाइम होने के बाद, उनकी नमाज हो गई, तो जी अजान जो है सही कौल के मुताबिक ये अजान वाजिब लिस्सला है, वाजिब फिस्सला नहीं। वाजिब लिस्सला का मतलब यह है कि नमाज पढ़ने के लिए अजान देना वाजिब है, और वाजिब फिस्सला का मतलब कि अगर आपने अजान नहीं दिया तो नमाज आपकी सही नहीं होगी। तो अजान जी ना देने से नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज सही हो जाएगी, लेकिन अजान का जो वजूब है उसको छोड़ने पर गुनहगार हो गया। तो अगर टाइम से पहले कोई अजान दे देता है तो वो अजान का एतबार नहीं होगा, टाइम होने के बाद दोबारा अजान देनी होगी। बाकी जो टाइम होने के बाद नमाज पढ़ी गई है बगैर अजान के, वो नमाज सही है। जी ठीक है फरहान साहब। जी, शेख अब वो मैंने कहा भी था कि अजान का टाइम है, तो जैसे मैंने कहा था अजान का टाइम है तो आपने पहले क्यों दी थी? तो कहने लगे वो तो मगरब के बाद शुरू हो जाता है ना ईशा का टाइम, तो आप अजान दे सकते हैं उस टाइम। उन्होंने ये जवाब दिया था। देखिए, ईशा का टाइम जो है, अगर आप घड़ी को छोड़ दें तो ईशा का टाइम शुरू होता है शफक गायब होने के बाद, सूरज डूबने के बाद आसमान जी में जो सुर्खी होती है उसको शफक कहा जाता है। और ये हदीस के अंदर है कि ईशा का टाइम जब शफक गायब हो जाए तब शुरू होता है। तो वो जो सुर्खी खत्म हो जाए आसमान से तब ईशा का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर जहां पर भी रहते हैं, कहीं बाहर निकल करके आप घड़ी अपने सामने रखिए और देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शफक कब गायब हो रहा है वहां पे। जी नहीं शेख, वही तो उस टाइम फिर अजान मगरिब की, जैसे आपने कहा शफक गायब हो गया वहां से, तो वहां से हम अजान दे सकते हैं उस टाइम, या फिर एक मुकर्रर जो टाइम होता है, जैसे 8 इस समय होले होले टाइम आगे पीछे जाता है, इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 8:40 पर जैसे अजान का टाइम होता है, तो उस मेरे टाइम से भाई, पहले। देखिए, अब उसके लिए हमें वहां आना पड़ेगा, है ना। बाकी मैंने आपको इतना वाजह तौर से रूल बता दिया कि शफक गायब होने के बाद ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। अब वहां कितने बजे शफक गायब होता है वो वहां के लोग ही बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम। जैसे घड़ी हमेशा तो नहीं थी, घड़ी के टाइम से जो हम अजान देते हैं वो जो अलामात हैं उन अलामात को घड़ी को देख करके घड़ी का टाइम सेट किया गया है अजान के लिए। तो जी अब अगर आपके यहाँ हकीकत में 8:40 पे शफक गायब होती है तब उसी वक्त जो है अजान का टाइम शुरू होगा। लेकिन अगर उससे पहले शफक गायब हो जा रहा है लेकिन लोगों ने 8:40 एहतियातन कुछ ताखिर से बना रखा है तो उसका एतबार नहीं होगा। असल शफक गायब होने का एतबार है अगर किसी ने कैलेंडर में आधा घंटा लेट लिख रखा है कि भाई हमारे यहाँ अजान जो है आधा घंटा हमेशा की अजान लेट देंगे। ये जायज है क्योंकि ईशा का वक्त तो आधी रात तक रहता है, आप उससे पहले कभी भी अजान दे सकते हैं, लेकिन टाइम होने के बाद अजान देना है। तो लिहाजा आप वहां पर तहकीक कीजिए। आपने बहुत मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिया कि शफक गायब होने के बाद ईशा का वक्त शुरू होता है। अब आप देखिए वहां पर शफक कब गायब होता है।